स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो इस समय की बड़ी वारदात सामने आई है। अस्मत लूटने में विफल रहा तो मार डाला। महिला ने जान देकर बचाई थी लाश, ठिकाने लगाने की नीयत से दूर तक घसीट ले गया था लाश। मोहला छत्तीसगढ़ के इस नए जिले में महिला व बालिकाओं के पर अपराधों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। इसी बीच पुलिस ने अंबागढ़ चौकी थाना क्षेत्र के ग्राम मुरारगोटा में 17 फरवरी दोपहर खेत की रखवाली करने घर से निकली आदिवासी महिला की निर्मम हत्या की गुत्थी सुलझा ली गई है। हत्या में शामिल आरोपी को सबूतों के साथ अंबागढ़ चौकी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मामले का खुलासा बुधवार को अंबागढ़ चौकी पुलिस करने जा रही है। उल्लेखनीय है कि 17 फरवरी की दोपहर 2 बजे के लगभग सुखरी बाई पति चतुर लाटिया उम्र 32 साल अपने खेत में लगे फसल की रखवाली के लिए घर से निकली हुई थी। उसी वक्त परिवार से जुड़ा पड़ोस में रहना वाला एक आरोपी पुलिस हिरासत में है, जो महिला के निर्मम हत्या में शामिल है। हालांकि इस पूरे प्रकरण की पुलिस आधिकारिक पुष्टि करने से बच रही है, परंतु ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार अंबागढ़ चौकी पुलिस सोमाटोला ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम मुरारगुटा की पूर्व पंच सुखरी बाई मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सुलझा ली है। आरोपी हिरासत में है। महिला के चेहरे व अन्य शरीर पर घातक वार किए जाने के निशान मिलने के साथ साथ शव को ठिकाने लगाने की नीयत से पूरे खेत में घसीटने के भी निशान घटनास्थल पर पुलिस को मौजूद मिले। खेत से जहां लाश फेंकी गई वहां तक खून के छींटे बिखरे हुए थे। 32 वर्षीय आदिवासी महिला की निर्मम हत्या को लेकर एफआईआर दर्ज करते हुए अंबागढ़ चौकी पुलिस की अलग अलग टीमें गहन तफ्तीश में जुटी हुई थी। दिन रात इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुझाने में अंबागढ़ चौकी पुलिस ने पूरी अपनी ताकत लगा दी। 10 दिनों के भीतर उक्त हत्याकांड से जुड़े आरोपी तक पुलिस पहुंच गई है। ग्रामीणों के मुताबिक अंबागढ़ चौकी पुलिस जिस आरोपी को हिरासत में लिया है वो मृतका के परिवार से जुड़ा हुआ है। उसने अपनी कुत्सित मानसिकता के चलते बाल बच्चेदार पारिवारिक की महिला की हत्या कर दी। सोमाटोला ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम मुरारगोटा में ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि आरोपी ने खेत की रखवाली करने वाली महिला की अस्मिता लूटने का प्रयास किया, जिसमें जब वो असफल हो गया तो उसकी निर्मम हत्या कर दी। अंबागढ़ चौकी के थानेदार कार्तिकेश्वर जानगड़े ने कहा है कि मैं अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगा, परंतु आरोपी तक हम पहुंच गए हैं। बुधवार को इसका खुलासा किया जाएगा।